ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आपने महाकाली साधना और हनुमान चालीसा पाठ भाग एक अनुभव पढ़ा था। आज हम लोग भाग दूसरे और अंतिम अनुभव के बारे में बात करेंगे। शशि के जीवन में आगे क्या घटित हुआ, ये भाग दो में हम लोग जानेंगे। यह अंतिम भाग भी है, तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं इनके पत्र को और आगे जानते हैं कि इनके जीवन में इस समस्या से इन्होंने कैसे छुटकारा पाया। प्रणाम गुरुजी और धर्म रहस्य के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। गुरुजी, अनुभव बताने से पूर्व एक बार पुनः प्रतीक भाई और सुगंधा भाभी को प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, आगे क्या घटित हुआ यह अब मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी, मैंने माँ से कहा, आप माता महाकाली की साधना कीजिए, माता सब कुछ ठीक कर देंगी। गुरुजी, लेकिन एक समस्या थी, माँ ने इससे पहले कभी भी कोई साधना नहीं की थी और ना ही उन्होंने गुरु मंत्र का पूर्ण अनुष्ठान किया था। भैया बोले, यह साधना नहीं हो सकती है जब तक कि माँ गुरु मंत्र का अनुष्ठान नहीं कर लेती, और गुरुजी जब तक स्वयं माँ को साधना करने की अनुमति नहीं देते तब तक यह कोई साधना भी नहीं कर सकती हैं। गुरुजी, भैया बोले, अगर तंत्र क्षेत्र इतना ही सरल होता तो आज भारत के प्रत्येक व्यक्ति सिद्धिवान होता। साधना क्षेत्र इतना सरल नहीं जितना तू सोच रहा है। गुरुजी, भैया ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, इस साधना को स्वयं तू करवा रहा है, इसलिए इस साधना से होने वाले दुष्परिणाम के जिम्मेदार स्वयं तुम होंगे और माता तुझे अवश्य ही दंड देंगी। पर गुरुजी, मैंने भैया से कहा, अगर माता मुझे दंड भी देंगी तो मुझे वह दंड स्वीकार्य होगा। गुरुजी, माँ भी साधना करने के लिए तैयार हो चुकी थी। कुछ समय बाद पुनः भैया आए और उन्होंने माता महाकाली की संपूर्ण साधना विधि के बारे में बताया। गुरुजी, लेकिन एक और समस्या थी कि माँ को संस्कृत पढ़ना नहीं आता था। भैया ने जो माता की विधि बताई थी उसमें विनियोग भी दिया हुआ था जो कि संस्कृत में था। मैंने भैया से कहा, क्या माता की कोई अन्य साधना विधि नहीं है? गुरुजी, तब भैया ने कहा, माता की यही एकमात्र विधि है, दूसरी कोई अन्य विधि नहीं है। माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब क्या होगा? मैंने माँ से कहा, आप मुझे कुछ समय दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी, फिर मैं माता महाकाली की प्रार्थना करने लगा और माता से कहने लगा कि माता, आपको तो मेरे बारे में सब कुछ ज्ञात है, आपको यह भली बात ही ज्ञात है कि मुझे तंत्र का ABCD भी नहीं आता, अब आप ही मुझे अपनी साधना की कोई सरल विधि बताइए। गुरुजी, इसके बाद मेरे मस्तिष्क में स्वयं साधना करने की विधि आने लगी। गुरुजी, फिर मैंने वह सारी विधि अपनी माँ को बताई और गुरुजी, जो मैंने विधि बताई थी वह इस प्रकार से थी। साधना का समय रात्रि के 10 बजे, दिशा पूर्व, आसन और वस्त्र काला, साधना अवधि 7 दिन, मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः। गुरुजी, फिर मैंने माँ से कहा कि आप माता की फोटो को बाजोट पर स्थापित कर दीजिए। गुरुजी, मैंने माँ से कहा, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी माला हो सके उतनी माला माता के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा। गुरुजी, जिस दिन मैंने माता की फोटो लानी उसी दिन से माँ ने वह साधना शुरू कर दी। गुरुजी, फिर मैंने माँ से कहा, आप गुरु मंत्र की एक माला, भगवान गणेश की एक माला और फिर भगवान शिव की एक माला अवश्य करें। मैंने माँ से कहा, यह सब कर लेने के बाद अंत में आप माता महाकाली को आवाहन कीजिएगा, उसके बाद आप माता के समक्ष संकल्प लेते हुए उनसे अपनी इच्छा प्रकट कीजिएगा। गुरुजी, मैंने माँ को इतना ही विधि बताया था। गुरुजी, जबकि मुझे तंत्र के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, मेरे मस्तिष्क में जो आया वह मैंने बोल दिया। गुरुजी, इसके बाद माँ ने वह साधना करना शुरू कर दिया। गुरुजी, उस समय हम भैया और दीदी सो रहे थे, लेकिन जब सुबह हुई तो हम छत से उतरकर नीचे की ओर जाने लगे। तभी एक तेज खुशबू की सुगंध आई। हम भैया सोचने लगे, आखिरकार इतनी तेज सुगंधित खुशबू कहाँ से आ रही है? हमने ध्यान दिया कि उसी कमरे से सुगंध आ रही है जिस कमरे में माँ साधना करती थी। गुरुजी, वह खुशबू की सुगंध गुलाब के फूलों के समान लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस कमरे में गुलाब के फूलों को रख दिया गया और उससे पूरा ढक दिया गया हो। भैया और दीदी बोले, ऐसी सुगंधित खुशबू आज तक हमने नहीं देखी।
गुरुजी वो सुगंधित खुशबू ऐसी थी कि किसी भी व्यक्ति को अपने वशीभूत कर ले। भैया और दीदी तो सुबह से शाम तक वहीं पर बैठे रहे। उनका कहना था कि हमें यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। गुरुजी अब तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर शायद आपको भी आश्चर्य हो सकता है। जिस दीपक को माँ ने साधना के दौरान जलाया था वह दीपक अब भी जल रहा था। भैया पुनः बोले, ऐसा अखंड दीपक तो आज तक मैंने नहीं देखा। गुरुजी इस के कुछ ही समय बाद माँ के शरीर में पुनः दर्द होना शुरू हो गया। उसी समय माँ ने माता महाकाली के नामों का स्मरण किया। उसके बाद एक चमत्कार घटित हुआ। मैंने माँ से पूछा, माँ आप ठीक तो है ना? माँ बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, आज मेरा शरीर पूरी तरह से हल्का महसूस हो रहा है। गुरुजी जब मैं माँ को देखा था तो जब वो बीमार हुई थी तो घर के सारे काम दीदी ही किया करती थी, लेकिन उस दिन माँ ने ही घर के सारे काम किए। जब पुनः माँ की साधना का समय हुआ तो उस समय भैया और दीदी छत से पर सोने के लिए चले गए। जब सुबह हुई तो माँ ने मुझे बताया, जब वह दूसरे दिन साधना के समय मंत्र का जाप कर रही थी तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई स्त्री उनके समीप आकर बैठ गई है। जब उन्होंने नेत्र खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। गुरुजी अब माँ पूरी तरह से ठीक होने लगी थी, यहाँ तक कि माँ ने दवा खाना भी बंद कर दिया था। मैं भगवान शिव से ही प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी प्रकार से इस साधना में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। गुरुजी जो मेरा भय वह सत्य साबित हुआ। तीसरे दिन माँ की वह साधना खंडित हो गई। गुरुजी अब मैं आपको बताता हूँ कि माँ वह साधना कैसे खंडित हुई। जब तीसरे दिन माँ साधना कर रही थी तब पिताजी उन्हें साधना करते देख लिया और वे क्रोधपूर्वक बोले, मेरे घर में किसी भी भूत प्रेत की पूजा नहीं होगी, अगर तुम्हें इनकी पूजा करनी है तो मेरा घर सदा के लिए छोड़कर चली जाओ। गुरुजी उस समय हम तीनों सो रहे थे। यह सारी बातें माँ ने मुझे सुबह बताई। मेरी माँ ने पूछा कि आखिरकार पिताजी को यह बात कैसे पता चली। तब माँ ने उसी स्त्री के बारे में जिक्र करते हुए बोला कि जब तेरे पिताजी कल घर आ रहे थे तो उस स्त्री ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि आपकी पत्नी रात के समय भूत प्रेतों की पूजा करती है। आप ही सोचिए, भला इतनी रात को कौन व्यक्ति पूजा करता है? इसी कारण आपके घर में इस प्रकार की घटना हो रही है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर के देख लीजिए। गुरुजी मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर उस स्त्री को यह सब बातें कैसे पता चली। गुरुजी जिस दिन माँ की वह साधना खंडित हुई उसी रात्रि दीदी के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। दीदी ने मुझे दवा लाने के लिए कहा। तभी मुझे याद आया कि जिस कमरे में माँ साधना कर रही हैं उसी कमरे में मैंने वह दवा रखी हुई थी। मैं दवा लेने के लिए उस कमरे के अंदर प्रवेश किया, लेकिन मुझे यह ज्ञात नहीं था कि माँ की वह साधना खंडित हो चुकी है। गुरुजी जब मैं दवा लेने ही वाला था फिर मैंने दृश्य देखा, उसे देखकर मेरी हालत खराब हो गई। गुरुजी मैंने यह स्पष्ट रूप से देखा कि जिस स्थान पर माँ ने माता की फोटो स्थापित की हुई थी उसी के बगल में एक स्त्री बैठी हुई थी जिसका शरीर और वस्त्र काले थे। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। गुरुजी उस स्त्री को देखकर मुझे अत्यंत ही भय हुआ। मुझे ऐसा लगा कि यह कोई बुरी शक्ति तो नहीं, यह मुझे जान से ना मार दे। फिर क्या हुआ? गुरुजी की माँ चिल्लाते हुए मैं माँ माँ कहते हुए छत की ओर दौड़कर भागा। गुरुजी जब मैं पुनः उसी कमरे में के समीप गया तो वह स्त्री वहीं बैठी हुई थी। मैं दौड़कर पुनः भाग गया। गुरुजी वह स्त्री केवल मुझे ही दिखती थी। गुरुजी इसी प्रकार एक माह बीत गया। जब भी कमरे में जाता वह स्त्री वहीं बैठी हुई होती थी। गुरुजी वह स्त्री मुझे देखकर बार बार मुस्कुराती थी। गुरुजी अब माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। एक दिन पुनः उनके शरीर में वैसा ही तेज दर्द हुआ। गुरुजी मैंने एक व्यक्ति से अपनी माँ के बारे में उन्हें सब कुछ बताया था। तब उन्होंने कहा, आप एक काम कीजिए, आप हनुमान चालीसा का तांत्रिक प्रयोग कीजिए। निश्चित ही अगर आपके घर में छोटी मोटी नकारात्मक शक्ति होगी तो इस प्रयोग से नष्ट हो जाएगी। गुरुजी फिर उन्होंने मुझे वह प्रयोग बताया। उन्होंने दिन मंगलवार बताया था और इसमें 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको बाजोड़ पर हनुमान जी की फोटो स्थापित करना है और 108 गुलाब के फूल इस प्रयोग में लगेंगे। प्रत्येक पाठ पूरा होने पर हनुमान जी को वह पुष्प अर्पित कर देना है
और इसी प्रकार सभी पुष्प उन्हें अर्पित कर देने हैं। याद रखें, आपको इसमें अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गुरुजी, लेकिन हमारे यहाँ गुलाब के फूल इतनी मात्रा में मिलना मुश्किल था। भैया को केवल 17 ही गुलाब के फूल मिले। मैंने उन्हें यह सारी बात बतलाई और मैंने उनसे कहा कि क्या कोई अन्य पुष्प अर्पित नहीं किया जा सकता है। गुरुजी, उन्होंने दूसरा पुष्प अर्पित करने से मना कर दिया। कहा, अगर गुलाब का पुष्प नहीं मिल रहा है तो आप इस प्रयोग को ना कीजिए। गुरुजी, भैया बोले, अब क्या करेगा। मैंने भैया से कहा, आप दूसरा पुष्प लाइए, जो होगा देखा जाएगा। गुरुजी, भैया ने भी यही किया, उन्होंने मुझे दूसरा पुष्प लाकर दे दिया। इसके बाद मैं स्नान करके वो प्रयोग करने के लिए मैं उसी कमरे में गया जिस कमरे में माँ ने माता की साधना की थी। गुरुजी, आज मैं आश्रम में था, उस कमरे में गया तो वह स्त्री वहाँ पर नहीं थी और वह सुगंध भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। फिर जैसे उन्होंने विधि बताई थी मैंने उसी प्रकार से किया। उसके पहले मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि यह मेरा प्रयोग सफल हो, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। फिर मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की, अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा और यदि आपको लगे कि क्षमा की योग्य नहीं हो तो आप मुझे दंड देंगे, वह मुझे स्वीकार होगा। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद मैंने पाठ करना शुरू किया। गुरुजी, अभी 10 ही पाठ हुए थे कि मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगा। गुरुजी, आज तक कभी भी इतने समय लंबे तक बैठ यानी कि साधना में मैं नहीं बैठा था, फिर भी मैंने पाठ करना बंद नहीं किया। 20 पाठ होते ही मेरे कमर में भी बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। गुरुजी, मन तो करता था कि यह सब कुछ छोड़कर उठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा, आखिरकार माँ ने मेरे लिए न जाने कितने दुख और दर्द सहे होंगे, क्या मैं उनके लिए इतनी पीड़ा भी नहीं सहन कर सकता हूँ। गुरुजी, अब मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए पाठ करना बंद नहीं करूँगा। इसके कुछ ही समय बाद मेरे पेट में भी तेज दर्द होने लगा। गुरुजी, जहाँ तक मैं मानता हूँ यह मेरी गलती थी, क्योंकि उस दिन मैंने कुछ भी खाया नहीं था, इसलिए शायद मेरे साथ ऐसा हुआ। गुरुजी, अब मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैंने हनुमान जी से कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूँगा जब तक मेरा संपूर्ण पाठ खत्म नहीं हो जाता, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। मैंने हनुमान जी से कहा, अगर मेरा प्राण भी चले जाए तो मुझे इस बात की प्रशंसा होगी। अंतिम समय में मैंने अपनी भक्ति की और मृत्यु के बाद भी मैं दाह बनकर आपकी सेवा करना चाहूंगा। गुरुजी, तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुख में प्रसाद खिला दिया हो। गुरुजी, मेरा पेट का दर्द पूरी तरह से जा चुका था। मेरे शरीर के अंदर एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति हो रही थी कि तभी एक बार पुनः उसी स्त्री की आवाज आई और ऐसा लगा जैसे कमरे के बाहर कोई खड़ा है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अंदर नहीं आ पा रहा। कि तभी किसी को गधे से मारने की आवाज सुनाई दी। वह बहुत ही तीव्र आवाज में चिल्लाते हुए छत पर भागा। उस समय केवल मैं ही घर में जाग रहा था। गुरुजी, अब मेरा पाठ पूरी तरह समाप्त हो चुका था। गुरुजी, जब मैं छत पर गया यह देखने के लिए कि आवाज कैसी है, लेकिन जब मैं छत पर गया तो वहां कोई भी नहीं था। गुरुजी, फिर मैं भैया के समीप जाकर बैठा ही हुआ था कि तभी एक सफेद प्रकाश बहुत तेजी से आया और आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। जब मैंने आकाश में देखा तो वह प्रकाश मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैंने जो देखा वह क्या था। कुछ ही समय बाद आकाश में चारों ओर काले बादल छा गए। मैं सोचा कि बारिश होने वाली है, लेकिन कुछ समय बाद भगवान शिव और हनुमान जी की विशाल का एक छवि सी आकाश में बनती दिखाई दी। मैंने उन्हें देखकर प्रणाम किया। उसके बाद वह सारा दृश्य अचानक से बदल गया, आकाश पूरी तरह से स्वच्छ हो गया। गुरुजी, हालांकि कुछ कारणों की वजह से मैं आपसे दीक्षा नहीं ले पाया हूँ, लेकिन मैं जल्द ही आपसे दीक्षा लूंगा। गुरुजी, यह था मेरा और मेरी माँ का अनुभव। गुरुजी, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर हो सके तो इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दीजिएगा। गुरुजी, जिस स्त्री को मैंने देखा वह स्त्री कौन थी और वह बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही थी। गुरुजी, अगर मैं माँ को पुनः यह साधना करवाऊँ तो क्या मैं इसी विधि से करवाऊँ या किसी अन्य विधि से। गुरुजी, यह प्रश्न भैया ने आपसे पूछा है कि अगर घर के कुल देवी देवता का बंधन किया गया हो तो किस प्रकार से उन्हें बंधन मुक्त किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर इनके ये अनुभव आपने देखे और समझे कि किस प्रकार से अनुभवों में क्या क्या सामने आता है और किस तरह की शक्तियां आपके सामने आती हैं। इनके प्रश्नों को लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने प्रश्न पूछा है कि जिस स्त्री को इन्होंने देखा वो कौन थी। देखिए, वो माता काली की कोई योगिनी शक्ति रही होंगी
और वह योगिनी शक्ति ही अत्यंत तीव्रता के साथ खुशबू फैला रही थी। अगर वह माता काली होती तो माँ उसी दिन पूरी तरह से ठीक हो जाती, लेकिन योगिनी शक्तियों में भी इतना सामर्थ्य होता है कि वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देती हैं। लेकिन आपकी साधना भंग हो गई, या यूं कहीं आपकी माता की साधना भंग हो गई, इस वजह से वह शक्ति पूरी तरह से वहाँ स्थापित नहीं हो पाई। जब कोई तांत्रिक प्रयोग बहुत ही भीषण होता है तो एक आत्मा नष्ट होती है, फिर दूसरी आत्मा वहाँ आ जाती है, फिर तीसरी आत्मा आती है, फिर चौथी आत्मा आती है, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग के माध्यम से उसने एक द्वार आपके शरीर से जोड़ दिया होता है, जो तांत्रिक ने शायद आपके माँ के शरीर से जोड़ दिया। इसी वजह से वो ठीक नहीं हो रही थी। यानी एक बार जाप करने पर वह शक्ति तो नष्ट हो जाती है, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरी शक्ति फिर शरीर को ग्रहण कर लेती है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप उन्हें एक मांत्रिक उल्टी करवाएं, इसमें उल्टी करवाई जाती है, और उल्टी करने के बाद से जो पूरी शक्ति जो अंदर गई थी, जो स्थापित है और जो बार बार एक द्वार बना रही, जिसकी वजह से जो एक शक्ति खत्म भी हो रही जाप के कारण, दूसरी शक्ति आ जा रही है। गुरु मंत्र के तप से शक्तियां लगातार नष्ट हो रही थी, लेकिन बराबर बनती भी जा रही थी, क्योंकि उन्होंने वो ग्रहण कर लिया था, वो तांत्रिक जल जो पिछले हफ्ते आपने बताया था। अब रही बात स्थापित होकर के, कोई शक्ति वहां पे जब रहने लगती है तो धीरे धीरे करके वह बुरी शक्तियों का नाश कर देती। तो वो जो स्त्री थी वो मुस्कुरा रही थी, वो एक माता काली की योगिनी थी और वो वहां पर स्थापित थी, ये अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि आपने फिर वहां पर हनुमान जी का आवाहन कर दिया, इसलिए उन्हें वहां से जाना पड़ा, क्योंकि अब वह स्थान हनुमान जी को अर्पित हो गया था। तो हनुमत शक्ति वहां पर स्थापित हो गई थी। हनुमत शक्ति की वजह से ही वो गधे की आवाज जो आपने सुनी वो आई। अब चूंकि अगर आप माता को अपनी यही साधना करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले गुरु मंत्र की पूरे अनुष्ठान करवा लीजिए, क्योंकि ऐसे अनुष्ठान आधे अधूरे रह जाते हैं और फिर पूरा फायदा नहीं दे पाते हैं। इसलिए पहले गुरु मंत्र का पूर्ण अनुष्ठान करवा लीजिए, और गुरु मंत्र के रूप में भी माता काली का आवाहन होता है। अलग से माता काली की साधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता महाकाली का जो स्वरूप है उसमें करोड़ों माता काली स्वयं विद्यमान है, और काली माता के जो है अंडर में बहुत सारी योगिनियां होती हैं। तो आप बड़ी चीज की ओर पहले दौड़ें, फिर छोटी चीज की ओर दौड़ें। देखिए, बड़ी शक्ति को हम साध नहीं सकते, इसलिए अधिकतर हम लोग उन्हीं की छोटी शक्तियों को साधने की कोशिश करते हैं। और सिद्धि और साधना में अंतर होता है। सिद्धि जहाँ पूरी तरह से आपको प्रत्यक्ष होने लगती है, साधना में हमको कृपा मिलती है। तो माँ पराशक्ति की साधना करके आपको कृपा मिलेगी, और उसके आधार पर छोटी मोटी सभी तरह की सिद्धियाँ आपको मिलने लगेंगी। जिनकी साधना करेंगे उन देवताओं का फल भी देखने को ज़्यादा मिलता है। पर अधिकतर आदमी ये सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तव में आपके अंदर जो ऊर्जा का मूल स्रोत है, जो माता पराशक्ति हैं, उनकी कृपा के कारण से ही अन्य शक्तियां आकर्षित होकर जल्दी आ जाती हैं। पर लगता यह है कि हमने जो बड़ी साधना की उसका फायदा नहीं मिला। असल में उसी स्रोत की वजह से ही छोटी साधनाएं हमको जल्दी सिद्ध होती हैं। तो वही आपको करना है। रही बात इसी साधना को करने की, तो आप इस साधना को बाद में कर सकते हैं और मंत्र यही ले सकते हैं, लेकिन किसी विधि विधान के साथ में गुरु से पूरी दीक्षा इसकी लीजिए, और यह मंत्र कैसे करना है और उसका पूर्ण अनुष्ठान कैसे करना है, हवन कैसे करना है, किन पदार्थों से हवन करना है जो है, इसके बाद तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोज कैसे कराना है, यह सब की जानकारी भी प्राप्त कीजिए। अगला सवाल आपने के भाई ने पूछा था कि अगर घर में गुल देवी देवताओं का बंधन किया तो उन्हें कैसे मुक्त किया जा सकता है। तो उसके लिए आगे आने वाले जो आप किसी साधकों के प्रश्न और उत्तर वाले में प्रश्न ये पूछिएगा, तो वहाँ पर मैं इसका लंबे अच्छे स्तर से जवाब दूंगा, ताकि ये बात बताई जा सके कि अगर कभी किसी तरह का बंधन हो जाएगा तो उसको कैसी मुक्ति की जा सकती है। तो ये थे आज के इनके कुछ प्रश्न और अनुभव को लिया गया है, जिसके माध्यम से आपने जाना कि इस प्रकार से सिद्धियाँ से संपर्क स्थापित होता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।